तमिल फेमिनिस्टिक अब कुछ ऐसे फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर रहा ह्यूज सक्सेसफुल और बाद में तेलुगु भाषा में उस फिल्मों को बनाई गई है रिमेक और जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप निकला। तो सच में ऐसे ही तेलुगु का फ्लॉप रिमेक फिल्मों के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, पोल्ला धवन। ये 2007 का एक्शन फिल्म है और इसमें धनुष राजा लीड रोल में नजर है और इसमें प्रभु का बाइक चोरी हो जाता है और बाद में वो कैसे ड्रग की दुनिया में फंस जाते हैं वही इसमें दिखाई है। जब पर इसका बजट था 5 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 15 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपर हिट। और बता दोस्तों बाद में इस फिल्म को तेलुगु भाषा में 2009 में कुड़रादू नाम से की गई है रिमेक और जहाँ पर वरुण संदेश नेहा शर्मा लीड रोल में नजर है और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर टू, चिथीराम पेसुथादी। ये 2006 का रोमांटिक एक्शन फिल्म है और इसमें नारायण और भवाना लीड रोल में नजर है और इसमें एक लोकल गैंगस्टर थीरू और एनजीओ का एक लड़के के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है जहाँ पर इसका बजट था सिर्फ 1 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 8 करोड़ और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बाद में इस फिल्म को तेलुगु भाषा में राजू भाई नाम से की गई है रिमेक और जो 2007 में आई और इसमें मनोज मंजू लीड रोल में नजर है और ये फिल्म रहा बिगेस्ट डिजास्टर। नंबर थ्री, जेमिनी। ये 2002 का एक्शन फिल्म है और इसमें वर्सेटल एक्टर विक्रम को लीड रोल में नजर है। इसमें गैंगस्टर जेमिनी ने मनीषा से प्यार करते हैं पर बाद में कहानी में कैसे एक ट्विस्ट आते हैं वह इसमें दिखाई है और फिल्म का गाना ओ पुलू काफी सेंसेशनल गाना रहा और जो फिल्म उस पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री का हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रहा जब इसका बजट था 4 करोड़, कलेक्शन रहा 24 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। और बाद में इस फिल्म को 2002 में जेमिनी नाम से तेलुगु भाषा में की गई रिमेक और जहाँ पर वेंकटेश यानी कि वेन की मामा लीड रोल में नजर है पर ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर फोर, सुंदरा पांड्यन। ये 2012 का कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इसमें शशि कुमार विजय सेतुपति लक्ष्मी मेनन लीड रोल में नजर है। इसमें सुंदरा पांड्यन कैसे अपने फ्रेंड के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है वह इसमें दिखाई है और जिसका हिंदी डब अवेलेबल है फाइट वाला नाम से। जब इसका बजट था सिर्फ 4 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 22 करोड़ और फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों बाद में इस फिल्म को स्पीडो नोडो नाम से तेलुगु भाषा में की गई रिमेक और जो 2016 में आई और इसमें टॉलीवुड का यंग एक्शन हीरो बिल्लम कोना श्रीनिवास को लीड रोल में नजर है पर ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर फाइव, शिवा माना सोला शक्ति। ये 2009 का रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है और इसमें जीवा को लीड रोल में नजर है और इसमें शिवा और शक्ति दोनों के बीच में झगड़े से प्यार तक रिलेशनशिप को दिखाई है जहाँ पर इसका बजट 8 करोड़, कलेक्शन रहा 20 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपर हिट। और बाद में इस फिल्म को शिवा माना सुलो श्रुति नाम से 2012 में तेलुगु भाषा में की गई है रिमेक जहाँ पर सुधीर बाबू को लीड रोल में नजर है पर ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर सिक्स, थिरुपाची। ये 2005 का थलापति विजय का एक्शन फिल्म था और इसमें गाँव का लड़का शिवागिरी कैसे चेन्नई जाकर लोकल थग्स के अगेंस्ट में फाइटिंग करते हैं वही इसमें दिखाई है और ये फिल्म 200 डेज तक थिएटर पर सक्सेसफुली रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों बाद में इस फिल्म को तेलुगु भाषा में अन्नावरम नाम से की गई है रिमेक और जहाँ पर पावर स्टार पवन कल्याण को लीड रोल में नजर है पर ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर सेवन, आदि थादी। ये 2004 का एक्शन कॉमेडी फिल्म है और इसमें सत्या राज लीड रोल में नजर है और इस फिल्म का उम्मा मसॉन्ग उस वक्त काफी सेंसेशनल चार्टबस्टर गाना रहा और जो फिल्म रहा एवरेज। और बाद में इस फिल्म को 2005 में तेलुगु भाषा में पॉलिटिकल राउडी नाम से की गई है रिमेक जहाँ पर मोहन बाबू लीड रोल में नजर है पर ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर एट, 96। ये 2018 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें मक्कल सिल्वन विजय सेतुपति दूसरी तरफ दिशा को लीड रोल में नजर है और इसमें रियूनियन के दौरान राम और जानू के बीच में ब्रेकअप की वजह क्या था वही इसमें दिखाई है और इस फिल्म को वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक फिल्म माना जाता है और जिसका बजट था सिर्फ 16 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 70 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। और बता दोस्तों बाद में इस फिल्म को 2020 में तेलुगु भाषा में जानू नाम से की गई है रिमेक जहाँ पर शर्वानंद और सामंता को लीड रोल में नजर है पर इन दोनों का केमिस्ट्री फैंस को उतना अच्छा नहीं लगा और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। नंबर नाइन, नीरम। ये 2013 का ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को तमिल के साथ ही साथ मलयालम भाषा में भी एक साथ शूट की गई था
Japan ismin Nivin Pauli, Nazriya Najim, Lee Drillman Zahib, her ismin jobless engineer, bank loan çukane ke liye kaise struggling karte hai vah ismin dikhayi hai. Aur ye film raha blockbuster. Aur baad mein is film ko Run naam se, Telugu bhasha mein ki gayi hai remake, jahan par Sandeep Kishan ko lead role mein nazar hai, aur ye film raha flop. Number 10, Veeram. Ye 2014 ka Thala Ajit Kumar starrer action film raha. जहाँ पर एक ऑनेस्ट आदमी विनायकम इनजस्टिस के अगेंस्ट में करते हैं वायलेंस तरीके से एक्शन, पर अपने प्यार के कहने के मुताबिक अपनी तारीख को बदलने के बाद वो कैसे बड़े खतरे में पड़ जाते हैं वह इसमें दिखाई है। जहाँ पर इसका बजट था 40 करोड़, कलेक्शन रहा 130 करोड़ और ये फिल्म रहा ह्यूज ब्लॉकबस्टर। और बाद में इस फिल्म को तेलुगु भाषा में कातामारा युद्ध नाम से की गई रीमेक जो 2017 में आई और इसमें पावर स्टार पान कलन को लीड रोल में नजर आई है और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नाम 11, आरिमा नंबी। ये 2014 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें विक्रम प्रभु को लीड रोल में नजर है और इसमें शिवाजी और अनामिका के बीच में प्यार के साथ जुड़ा कर एक मिस्टीरियस कहानी को दिखाई है और ये फिल्म रहा सुपरहिट। और बाद में इस फिल्म को तेलुगु भाषा में डायनामाइट नाम से की गई है रिमेक जहाँ पर विष्णु मंचू लीड रोल में नजर है और ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 12, ऑटोग्राफ। ये 2004 का रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इसमें चरण को लीड रोल में नजर है और इसमें सेंथिल का पुराने दोस्त और लवर के साथ दोबारा रियूनियन से जुड़ा कर कहानी को दिखाई है। और जब इस फिल्म का उस वक्त तमिलनाडु पर लगभग 60 लाख टिकट सोल्ड हुआ था और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बाद में इस फिल्म को 2004 में ना ऑटोग्राफ नाम से तेलुगु भाषा में की गई रिमेक जहाँ पर द मस्त महजर रवि तेजा को लीड रोल में नजर है पर ये फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 13, वेलाइनो बंधु था वेल्लाई करण। ये 2016 का कॉमेडी फिल्म है और इसमें विष्णु निक्की गलरानी लीड रोल में नजर है। इसमें एक यंग लड़का कोमा पे जाने से पहले कैसे अपने प्यार के बारे में एक पॉलिटिशियन से मदद मांगते हैं वह इसमें दिखाई है। और इसका बजट था 5 करोड़, कलेक्शन रहा 28 करोड़ और ये फिल्म रहा ब्लॉकबस्टर। और बाद में इस फिल्म को तेलुगु भाषा में सिल्ली फेलोस नाम से की गई है रिमेक और ये 2018 में आई और इसमें अल्लारी नरेश को लीड रोल में नजर है पर यह फिल्म रहा फ्लॉप। नंबर 14, इरुत्तु आरियल मुरत्तु कुत्थु। ये 2018 का न्यू नायर फिल्म है और इसमें गौतम कार्तिक को लीड रोल में नजर है और इसमें दोनों अनमैरिड कपल वैकेशन के लिए एक बंगलो पर जाते हैं और वह कैसे फीमेल घोस्ट द्वारा हॉन्टेड होता है वह इसमें दिखाई है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रहा हिट। और बाद में इस फिल्म को 2019 में चिकाती गादीलो चीथा कोतुदू इसी नाम से तेलुगु भाषा में की गई रिमेक और जहाँ पर आदित्य अरुण को लीड रोल में नजर है और ये रिमेक वर्षन बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। तो ये रहा कुछ ऐसे तेलुगु फिल्मों के बारे में जिस फिल्मों को तमिल फिल्मों से की गई है रिमेक और इसे रिमेक वर्षन बॉक्स ऑफिस पर रहा फ्लॉप। तो इससे फिल्मों से आप कौन से ओरिजिनल और कौन से रिमेक वर्षन में देख चुके हो कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा और सबके बॉलीवुड साथ ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।